ओके, मूवी स्टार्स के नाम पर चलती है, इस बात की कोई दोहराई नहीं, बट क्या स्टार्स सिर्फ एक्टर्स होते हैं? मेरा आंसर होता हाँ, अगर मैं ये बात अर्ली 2000 से पहले कर रहा होता। बट आज के टाइम पर मुझे पता है कि एक्टर्स के अलावा भी इवन की डायरेक्टर्स का इम्पैक्ट मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने में कितना ज्यादा होता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। वी ऑल नो की भाई एवटार वॉज द ब्लॉकबस्टर एंड उसके सीक्वल को लेकर भी हाइप बहुत ज्यादा है, बट ट्रस्ट मी मेजोरिटी ऑफ पीपल को पता भी नहीं होगा कि इस मूवी का एक्टर कौन है। आई मीन जो लीड कास्ट में है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बट इस मूवी का डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन है, ये बात सबको पता है। इट शोज कि भाई डायरेक्टर्स नॉट जस्ट बिहाइंड द कैमरा, इवन की मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितनी वैल्यू ऐड करते हैं। भाई अब स्नाइडर कट के रिलीज करवाने के लिए लोगों का एंथुसियाज्म देख सकते हो, लोगों ने क्या क्या कर दिया भाई। इट जस्ट बिकॉज कि जैक स्नाइडर अपना एक अलग लेवल का फैंडम होल्ड करते हैं, इवन की आई एम द पार्ट ऑफ इट। एंड अगर आप भी हैं तो डेफिनेटली आपने भी 300, मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन या फिर मेरी ऑल टाइम फेवरेट वॉचमैन देखी जरूर होगी। एंड अगर नहीं देखी तो देखना जरूर। देन वेलकम टू हाउ डायरेक्टर थिंग्स के एपिसोड 3 में, जहां आज हम जानेंगे जैक स्नाइडर के कुछ गूगल सर्चेस, कुछ इम्पैक्टफुल इंटरव्यूज और ब्लॉग्स को देखकर थोड़ा बहुत रिसर्च करके उसको एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जैक स्नाइडर के माइंडसेट को भी। Of course, it's depend on project, but I don't think I could ever separate myself from my aesthetic. आई थिंक जैक स्नाइडर की ये लाइन जैक स्नाइडर के माइंडसेट के बारे में काफी कुछ बताती है, जहां इस लाइन से जैक स्नाइडर की एक क्वालिटी का पता लगता है कि वो अपनी चीजों से कितने ज्यादा अटैच्ड होते हैं एंड इस क्वालिटी को वो अपने फिल्मिंग में भी अपनाते हैं। जैसा कि जैक स्नाइडर बताते हैं कि प्रोजेक्ट के हिसाब से वो अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब जो डिमांड होगी उसके हिसाब से वो अपनी चीजों को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हर मूवी डेफिनेटली अपना एक अलग विजन लेकर आती है। एंड आपने जैक स्नाइडर की किसी भी मूवी में नोटिस किया होगा कि भाई वो मूवी देख के पता लग जाता है कि भाई डायरेक्टर जैक स्नाइडर होगा, या फिर जिसने भी इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं जैक स्नाइडर से इंस्पायर्ड है। एंड यही बात जैक स्नाइडर को सबसे अलग बनाती है। एंड जैक स्नाइडर भी हर एक क्रिएटिव इंसान को अपना एक यूनिक स्टाइल अपनाने की सलाह देते हैं, ताकि वो चीज उनके लिए एक ट्रेडमार्क की तरह काम करे। एवरीवन हैज एन एंजल, अ गार्डियन हु वॉचेस ओवर अस। वी कांट नो व्हाट फॉर्म दे विल टेक, वन डे ओल्ड मैन, नेक्स्ट डे लिटिल गर्ल, बट डोंट लेट अपीयरेंस फूल यू, दे कैन बी एज एन ड्रैगन एज वेल। जैक स्नाइडर की ये स्टेटमेंट उनके स्पिरिचुअल बिहेवियर को दिखाती है। इट मीन्स हमेशा आप पर किसी ना किसी की नजर है। इस चीज को आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि जैक स्नाइडर भगवान में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो मानते हैं कि वो अपने हर काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं एंड ऐसा करने की वो लोगों को सलाह भी देते हैं। वो बताते हैं कि हमेशा अपने काम को अगर हम ईमानदारी से करें, इससे ना तो उन्हें किसी को जवाब देना पड़ेगा। एंड वो मानते हैं कि अगर बहुत से लोग अपने बहुत से काम को बहुत ही ईमानदारी से करें तो दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो सकती है। इसलिए ऐसा दिमाग में रखना कि हमेशा आप पर किसी की नजर है, वो आपको कहीं ना कहीं इनकरेज करती है कि आप अपने काम को पॉजिटिवली करो। When reality is a prison, your mind can set you free. ये स्टेटमेंट आपको जितनी छोटी लग रही है, बट ये स्टेटमेंट उतनी ही ज्यादा गहरी है, जहाँ सबको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी एक जेल बन चुकी है, उन्हें बस इसको एस्केप करना है, किसी तरीके से निकलना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लिमिटेशन किसी ना किसी बाउंड्री के अंडर है। वहीं जैक स्नाइडर का मानना है कि अगर वो मानते हैं कि वो एक जेल के अंदर हैं, तो जैक स्नाइडर मानते हैं कि अगर आपको इस जेल रूपी माइंडसेट से निकलना है तो उसमें आपका दिमाग ही आपकी हेल्प कर सकता है। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इसके लिए वो मेडिटेशन, योगा एंड बहुत सारे स्पिरिचुअल चीजों के बारे में बताते हैं, जिससे वो ये बताते हैं कि अपनी बॉडी से लेकर अपने माइंड को हेल्दी रखना कितना ज्यादा जरूरी है। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, बट इसके बारे में एक बार सोच के जरूर देखना, ये बात जितनी छोटी लग रही है उतनी ही ज्यादा गहरी है। तो गाइज ये थे जैक स्नाइडर के माइंडसेट से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने एनालाइज किया उनके इंटरव्यूज, उनके ब्लॉग्स और गूगल सर्चेस के थ्रू। ये आप भी कर सकते हो, बट डेफिनेटली मैं आपके लिए ये काम आसान बना रहा हूँ। एंड अगर आपको ऐसे ही मूवीज, एक्टर के फैक्ट्स, मूवीज के रिव्यूज एंड ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करना पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।